कॉलेज की राजनीति के बाद में विधानसभा की तैयारी करे रविंद्र सिंह भाटिया बाद बीजेपी में पहुंचे। भाई साहब आप भी कॉलेज है, कॉलेज की राजनीति में बढ़िया अच्छी छवि बनाई और हमें रविंद्र सिंह भाटिया बीजेपी में गया है, लेकिन आप भी पेन कॉलेज में लोग जुड़े रहे, आपका एंगल तो देखिए बनी हेमा। पहला तो ओम जी मु आपरे चैनल के माध्यम से पूरा जिला वासियों ने पूरा प्रदेश वासियों ने बधाई देना चाहूँ कि मोरे विचार परिवार में राजस्थान रा यूथ आइकन रविंद्र सिंह जी भाटी पधारिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत उमरा। खबर आई कि कॉलेज माए काफी कुछ विवाद और माए लिया है, काफी सुर्खी और माए भी दिया, और अचानक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी वाले का एरू दीदू जो ऑटोमेटिक रातों रात वैसी दे निकलिया बीजेपी रे माए एरू काटू। देखो जटावदी रवसा ने मुंह ओळखे रही हूँ, मारो परिचय रवसा थी 2016 थी जरे मु हनुमत हॉस्टल में पढ़तो जोधपुर, तो रवसारो विचार परिवार विद्यार्थी परिवार अंतिज रियोड़ो है। 2016 में विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता जो प्रेसिडेंट रहा दावेदार रहता कुणाल सिंह भाटी उन्होंने वास्ते वे दौड़िया। 2019 रे माए कुछ अनबन हुई और टिकट कटियो और निर्दलीय लड़िया, वे कन्नी बीजी विचार परिवार हाथे नहीं गया क्योंकि बटन वोणरी जमे नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़िया 57 साल पुटी कोई निर्दलीय आदमी जीतियो, वनपुटी निरंतर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सक्रिय रिया, छात्र हितों वास्ते काम की दो अपो हेंगो ने ठाए विधानसभा तक घेराव की दो, मुख्यमंत्री तक ने चैलेंज की दो, अत्र मोटो काम की दो। वन्ने पुटी जरा पाची बात करो अपे तो कोरोना रे काल रे में भी अगर जो छात्रों रे वास्ते काम करनो चाहिए वो काम की दो। वन्ने पुटी आप रे जो क्षेत्र है सिम में शिविर में जब लंबी बीमारी आई तो गायों रे सेवा रे वास्ते में शिविर में गया बटे काफी लंबू काम की दो। निर्दलीय थी फेमस हुई और हमें बीजेपी में जानी मजबूरी थी या कोई खास इतला रे का राज गायो। देखो अणमे मुको मजबूरी वेणी कोई मजबूरी नहीं है अणमे के आपने आज बात बतावनी है कि विचार परिवार तो इस पहला रियोड़ो है। कोई कोई पदाधिकारी होती रही तीन 2019 में कोई टिकट कटी रू हमें पांच गणती संपर्क में था बराबर जरा चुनाव आया बराबर कहन के आटो एकदम गरम वे लोन आतोड़ो मारवा रही है तो बराबर लो गरम हतो ना हमें आतोड़ो मारियो रो। आपने जानकारी वास्ते बताओ कि रविंद्र सिंह जी काफी यात्रा भी निकाले जन समाज वगैरह तो वन में तो बीजेपी रो कटे हाथ नहीं था और बीजेपी फायदे मलाई खाने से आवे। देखो जनसमाज यात्रा रवसा खुद गए है कि मैं वहां वनवास्ते निकाली है कि मारे क्षेत्र में जाऊं, क्षेत्र में जाए लोगों की समस्या है बैठा पाड़ू कि एक एडो नेता वे जो पहला था तो पड़े कि समस्या गए कौम की गण करूं अणवास्ते लगातार बीजेपी रे संपर्क में था जरे बटा थी हरी झंडी मिली आज बड़े अशुभ मुहूर्त दे गए रहो ठीक है और आज बीजेपी ज्वाइन की थी। जानकारी अभी मिली है कॉलेज में काफी सुर्खियों में भी दिया था और हमें राजनीति में आई बार में कॉलेज की राजनीति में क्या फर्क पड़ी। देखो मैं तो है युवा वो चाहूँ के जो कोई युवा प्रतिनिधित्व विधानसभा रे माए संसद रे माए जाए तो वो युवाओं की मांगने वाले आगे रखे आगे जो शिक्षा और स्तर वहाँ पे राजस्थान रे माए देखे रहा हूँ का स्तर है उन स्तर में अगर कोई सुधार करना चाहे तो रवसा बहुत बढ़िया सुधार करे है। मैं तो चाहूँ कि आगे मोने विधायक और विधायक रे आगे भी जाए कोई मिनिस्टर मिले मोने हो सके कोई नव शिक्षा मंत्री रूप में रवसा मिले मोने। एक चीज आवे मारवाड़ी में कहा होता है सटूटी पकड़ावे जरा पूरा हाथ खोची हो रविंद्र सिंह जी ने कॉलेज में जीता या मतलब विधानसभा की तैयारी करे अरु तो नहीं। देखो सर एक बात वे है कि विधानसभा की तैयारी अच्छी चीज है कोई गलत बात नहीं है। राजनीति कौन करी युवा इज करी युवा राजनीति करनी चाहिए वे आगे आवी काम करी जरे काम भी ने एक यूं वे कि एक भ्रांति वे कि विश्वविद्यालय जो छात्र संघ अध्यक्ष बने पूरा प्रदेश में एक भ्रांति वे कि वो गुंडागर्दी करीन वो अवैध कब्जा करीन ठीक है वो रड़ियारा करीन एडो काम करी लेकिन रवसा एडो काम नहीं की दो। 2019 में अध्यक्ष बनिया उनने बटे 2 साल कोरोना रियो लगातार वे बटे अध्यक्ष रिया कोई भी गलत एक्टिविटीज नहीं की दी हमेशा थी काम की दो पसे शिविर में अपने छत्र में जाए जो लोगों रे वास्ते सेवा की थी वटे कौम की दो तो अच्छी बात है खुशी की बात है कैसा युवा प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे। रविंद्र सिंह जी हाथी और कौन कौन शामिल हुए बीजेपी में कोई खबर ज्यादा जानकारी तो नहीं है सर लेकिन आज रवसारे हाथे कोई पूर्व आईपीएस है शेखाव साहब है उन्हें भी बीजेपी ज्वाइन की दी है। उससे पूर्व में मेवाड़ राजघराने हाथी है वे बीजेपी में ज्वाइन आया है। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब रे बेटा है वे भी बीजेपी ज्वाइन की दी है तो सबने उठा है कि एडो मॉल वणियोड़ो है प्रदेश में कि कांग्रेस की नाव जो डूबे रही है पर नाव में कोई बहनों नहीं चाह रही है हैंग उठा के बाद नाव डूबा ने तो हैंग छोड़े छोड़े बीजेपी में आ रही है। राजनीति में काफी कुछ बदलाव है कोई अन्य जाए कोई अन्य जाए पर थोने कते नहीं जानो थोने खाली वोट देनो वोट हमें कहीं देनो आप सब लोगों ने दियो ने और केवल कौम ने सरकारी नियम वाले सिर्फ कार्यक्रम वन में आप सब भी ज्यादा अधिक से अधिक लोग वोट देनो। भाई साहब राजनीति एंगल ने कन एंगल से देखो युवा लोग भी नवा नवा चेहरा भी आ रही है आप कन एंगल से देखिए कौम का जो अच्छा बनो सीजे कौम जो बढ़िया करा उन्होंने वोट देना सीजे जो एक तो पहला अपने लाडू बतावे कैसा वो दियो वो दियो वो दियो पास लास्ट में ऐसा के मन तो आवे ने के रोड वास से आ देखो यहां पर जालोर हालत देख लो एड़ा हाल में ऊपर मजा नहीं आवे। अब रविंद्र सिंह जी की खबर हो गई बाद में आप लोगों ने मैं कितनी खुशी है या कितनी गम है। खुशी है सर बड़ी बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद है आपने कि रविंद्र सिंह की बात पहुंचा हो गए आपने बीजेपी ज्वाइन की दी है खुशी की बात है सर।
कहानी राजस्थान जालौर की देखनी चाहो तो मुझे जन जगह बैठा हुआ शिवाजी नगर है पंडरपुरी शायर जगह और पंडरपुरी शायर अलावा भी काफी कुछ चर्चा देखी पर मैंने बाद में मुँह और भी बात बस जालौर रणनीति के बारे में आप कितनी जानकारी रखो पाली पूरी। देखो साहब मैं तो छात्र हूँ विद्यार्थी हूँ मोरे राजनीति की कोई घनी लेनी देनी नहीं है लेकिन मैं वो चाहूँ की जो स्थिति है वर्तमान में राजस्थान रे माए जो अपराध वधे रियो है ठीक है रेप रे माए जो राजस्थान पहले नंबर में आते हैं एक स्टूडेंट ने कहा चाहिए सके बढ़िया रोजगार मिले कभी नौकरी मिले 19-19 पेपर लीक वे रहा है मैं घर ती आऊँ सामान्य किसान परिवार ती आऊँ और लाख बे लाख रुपया खर्च करें जोधपुर जयपुर जाए पढ़ाई करो पे जाए था पड़े के पेपर आउट बोरो कोई तस्कर हता वे 2-4 लाख रुपया दे ने वे नौकरी लगे रहा तो मोरे यहाँ मेहनत फैल जाए तो मैं चाहूँ की एक ऐसी सरकार आवे जो युवाओं वास्ते रोजगार बढ़ावे ठीक है पेपर जो लीक वेरिया उन्होंने अच्छो कानून बने और उन्होंने सजा मिले। जालौर रमाए जन प्रत्याशी है लाली चालवी विधायक जोगेश्वर जीता और अंश चालवी उन्होंने टिकट दी दो बीजेपी जैसे कांग्रेस की आवनी लिस्ट अनिल ने आपका कहना चाहो। देखिए जोगेश्वर जी जो हमारे अच्छे विधायक हैं उन्होंने 6 बार टिकट दी दो तो ऐसी बात तो है नहीं कि टिकट गलत दी दो बढ़िया विधायक है जरे छठी बार उन्होंने माते पार्टी भरोसा बताया उन आदमी माते और वे अच्छा विधायक है आदरणीय है हमारे वास्ते और मोने वही आशा है कि आगे जाना और अच्छा काम करी।